आज हम सर्कुलर मोशन की पूरी थियोरी फिनिश करने के बाद आज हम सर्कुलर मोशन के डाउट्स डिस्कस करेंगे, डाउट सॉल्व करूंगा। ऑल्दो थियोरी कराए हुए मुझे काफी समय हो चुका है, आई गिवन यू मोर देन 7 days टू सॉल्व एस मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज मच यू कैन। एंड डेफिनेटली इस दौरान मुझसे आप लोग काफी सारे अलग से भी आके डाउट्स पूछ रहे थे, और अब आज के दिन मैं आप सभी के डाउट्स एंटरटेन करता हूं। इनफैक्ट मैं सभी को एक दूसरे के डाउट्स बताऊंगा भी कि किसने क्या पूछा है, और आप लोगों को अभी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी समय दूंगा। प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ अपना ही डाउट को सुने, बल्कि आपको दूसरे बच्चे के द्वारा पूछे गए डाउट्स को भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, और उसको इसी समय अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। मैं सबसे पहले मेरा स्टडी पैकेज जो मैंने दिया है वह तो सॉल्व करवाऊंगा ही, वह तो डिस्कस करवाऊंगा ही। इसके अलावा मेरे पास एचसी वर्मा बुक से भी कुछ डाउट्स आए हैं, और मैं उन डाउट्स को भी सॉल्व करूंगा। एंड क्यों ना, क्योंकि एचसी वर्मा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, और कंसेप्ट क्लियर करने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं मगर फिर भी ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम जो एचसी वर्मा के जो डाउट्स आए हैं पहले इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। एचसीवी के जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, एचसीवी का सर्कुलर मोशन चैप्टर, और इसमें से एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के यह डाउट्स मुझसे पूछे हैं जिन्हें मैं सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 25, प्रॉब्लम नंबर 28, प्रॉब्लम नंबर 29 और प्रॉब्लम नंबर 30। यह 6 प्रॉब्लम्स है जो मुझसे एचसीवी के पूछे गए हैं। दे आर ऑन पेज नंबर 114-115, पेज 114 से 116 के बीच में है। इफ यू हैव गॉट दैट बुक, तो आप उस बुक में से प्रॉब्लम्स को पढ़ना चालू कर दें, सॉल्व करना चालू कर दें। अदरवाइज इसी समय मैं इन प्रॉब्लम्स को पढ़ के भी बताता हूं और इन प्रॉब्लम को समझाता हूं, और फिर आपको कुछ समय दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखिए 17th प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 17th प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम स्टेट्स समथिंग लाइक दिस, अ पर्सन स्टैंड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट इक्वेटर। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट इक्वेटर, अर्थ है अपनी एक्सेस के अबाउट इस तरह से घूमती है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और यहां इक्वेटर है। इस इक्वेटर पर एक पर्सन स्प्रिंग बैलेंस के सहारे खड़ा है। यह समझिए कि एक पर्सन इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के सहारे इक्वेटर पर खड़ा है। दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन इक्वेटर, और इसने इस तरह से कुछ What fraction is the balance reading less than his true weight? उसका जो true weight है उससे spring balance की reading कितना कम होगी, कितना fraction से कम होगी? By what fraction? The question is, by what fraction the spring balance reading is less than his true weight?
if the speed of earth rotation is increased by such an amount that balance reading is half the true weight, what will be the length of the day? देखिए, मैं problem को समझाता हूँ. Earth rotate करती है angular velocity omega से, और earth के rotation की वजह से किसी भी body के ऊपर centrifugal force radially outward direction में लगने लगेगा in the reference frame of the earth itself. Earth के ही respect में किसी भी body पर centrifugal force radially outward direction में लगेगा. इसकी वजह से जो person का जो actual weight है 28 mg, वो mg दिखने के बजाय थोड़ा कम दिखने लगेगा. 28 क्या होता है? Although हमने अभी gravitation पढ़ा नहीं है, पर ग्रेविटेशन में आप इस बात को समझेंगे कि जो ट्रू वेट है वह पोल पर रीड होता है. ट्रू वेट इज इन फैक्ट जीएमएम बाय आर स्क्वायर, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. ट्रू वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू gravitational force is g mm by r square. Up. And this is equal to mg. ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के सेंटर की तरफ जीएमएम बाय आर स्क्वायर लगेगा, मगर सर्कुलर मोशन की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ इटसेल्फ इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा, और ओवरऑल इस पर नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा. L is the apparent weight. Apparent weight is N, जो कि हो जाएगा GMM by R square minus M omega square. This is the apparent weight. नॉर्मल रिएक्शन है, वही स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग होगी. दिस वुड बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ बैलेंस, यही बैलेंस की रीडिंग होगी. अब उनने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ बैलेंस and his true weight, and what is that fraction? वो fraction क्या है? What then ours is, by what fraction is the balance reading less than the true weight? Balance reading and true weight. True weight minus balance reading would be this GMM by R square minus normal reaction. This is the true weight, GMM by R square minus the apparent weight or the balance reading. This is the difference, and from here I will write that this difference is equal to M omega square R, or you may say this is MG minus N. This is equal to m omega square half. This is the difference. फिर उन्होंने पूछा इसका fraction. What is the fraction? जो fraction पूछा है that is mg minus n upon
mg. The difference in the reading upon the true weight. This is the fraction by which balance reading and true weight differ from its actual weight. Yeah, what I pucha hua hai, and this is equal to m omega square r upon mg, or m same cancelled, omega square r upon g. Now this fraction you can always calculate. Kaise? Omega ki value hum pehle se likh dete hain. The value of omega is 2 pi by time period. हमें अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड पता है. अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स, मींस 24 अपॉन 3600. दिस इज रेडियंस पर सेकेंड. ये अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है, यही इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होगा. आर द रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटर इज, we know that it's 6400 kilometers. 6400 kilometers means 6400 into 10 to the power 3 meters. This is R. And we know that G is 9.81 meters per second. We know all this data. In order to calculate this fraction, I will substitute this values. This fraction ko calculate karne ke liye main values ko substitute kar deta hu. 2 pi upon 24 into 3600 whole square. Yaha omega square ho gaya. R ki jagah 6400 into 10 to the power 3, aur g ki jagah 9.81. This is answer to the first part of the problem. Yaha jo pehla part hai, उसका आंसर हो गया. अब दूसरा पार्ट है, इसी प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है. उन्हें कहा कि मान लीजिए हमको जो अपेरेंट वेट है, यदि उसको आधा कर देना है, अपेरेंट वेट इज हाफ ऑफ द ट्रू वेट, इन दैट केस व्हाट वुड हैव बीन दिस एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट वुड हैव बीन द टाइम पीरियड, इन दैट केस व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द डे. यदि हम जो सेकेंड पार्ट है, इफ द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड, अर्थ रोटेशन की स्पीड बढ़ा दी जाए इन सच एन अमाउंट दैट बैलेंस रीडिंग इज हाफ ऑफ द ट्रू वेट, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द डे. यदि हम अर्थ के रोटेशन की स्पीड को इस तरह से बढ़ा दें और इतनी अधिक तेजी से घूमने लगे कि जो अपेरेंट वेट है वो ट्रू वेट का आधा दिखने लगे, तो ऐसी कंडीशन में लेंथ ऑफ डे क्या होगा. वंस अगेन इस सेकेंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो जो अभी करा हुआ है उसी से आएगा. हमको सिर्फ यह करना होगा, ट्रू वेट तो mg ही लिखेंगे, बैलेंस रीडिंग हम लिखेंगे mg बाय 2, और उसके लिए इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की जगह ओमेगा डैश, सम न्यू एंगुलर वेलोसिटी. फिर इसी फ्रैक्शन को अब बस इस टाइम पीरियड में हम वेरिएबल टी डैश रखेंगे. कैसे रखेंगे वो मैं बताता हूं. पहले एक और बार इस प्रॉब्लम को समझा दूं. क्या प्रॉब्लम था? अर्थ के रोटेशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर पर्सन का ट्रू वेट नहीं दिखता है. उसका जो वेट दिखता है दैट इज अपेरेंट वेट, और ट्रू वेट में और अपेरेंट वेट में एक डिफरेंस होता है. वो उसी डिफरेंस को समझने के लिए बोल रहे हैं और उसी डिफरेंस के फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए बोल रहे हैं. मैं एक और बात फिगर से बताता हूं. भाई अर्थ है इस तरह से घूम रही है कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, हम ओमेगा क्यों लिख रहे हैं यह बता दें, क्योंकि अर्थ के लिए ओमेगा बिल्कुल फिक्स होता है. ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई आर, या फिर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. हमें 2 पाई यह परफेक्टली पता है, अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड परफेक्टली पता है 24 आवर्स, जिसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट करा. ध्यान रहे प्रॉब्लम करने के लिए आवर्स या मिनट्स अप्रोप्रिएट यूनिट नहीं होते हैं, टाइम को हमेशा सेकेंड्स में कन्वर्ट करके ही प्रॉब्लम को करा जाता है.
रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वेटर पर अर्थ का जो रेडियस है सर, किसी भी बॉडी की जो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस वुड बी 6400 किलोमीटर्स. नाउ दिस डेटा इज नोन टू अस, 6400 किलोमीटर्स. वंस अगेन ऐसे सिस्टम में प्रॉब्लम को करने के लिए किलोमीटर्स को हमेशा मीटर्स में कन्वर्ट करके ही लिखा जाता है. नाउ द वैल्यू ऑफ जी इज नोन टू अस. अब किसी भी पार्टिकल का जो वेट होता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. किसी भी पार्टिकल का जो ट्रू वेट होता है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, एंड दैट इज gmm बाय r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू mg. ऑल्दो अभी तक हमने ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं है, पर फिर भी 9th और 10th स्टैंडर्ड के नॉलेज के आधार पर आप ये बात जरूर लिख सकते हो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है gmm बाय r स्क्वायर, और वही हम mg के बराबर इक्वेट करते हैं, और वही हम ट्रू वेट कहते हैं. अपेरेंट वेट, किसी भी जगह पर जो अपेरेंट वेट होता है और द रीडिंग ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस रीड करता है उसी को हम अपेरेंट वेट कहते हैं. वो बैलेंस में रीडिंग क्यों होगी, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल रेडियली इनवर्ड उसके सेंटर की तरफ जीएमएम बाय आर स्क्वायर, मगर यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. ये सर्कुलर मोशन हर जगह पर अलग अलग है. देखिए इस पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन इस तरह से, वहां रेडियस अलग हो गया. इस जगह पर देखेंगे तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन इस तरह से, रेडियस अलग हो गया. और पोल पर देखेंगे तो पोल पर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है ही नहीं. इनफैक्ट हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे यह बात समझेंगे कि पोल पर ट्रू वेट में और अपेरेंट वेट में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है. जो अपेरेंट वेट दिखा है वही पार्टिकल का ट्रू वेट होता है. आपको अपना एग्जैक्ट वेट देखना है तो आपको पोल पर जाना पड़ेगा. अब इक्वेटर पर ट्रू वेट जीएमएम बाय आर स्क्वायर तो अंदर की तरफ, और सर्कुलर मोशन की वजह से इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ इटसेल्फ, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ, क्योंकि हम अर्थ पर ही अपने आप को रेफरेंस फ्रेम बना लें, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों फोर्स की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन एन. हम कहेंगे ये जो अपेरेंट वेट होता है दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, यही टेंशन होगा स्प्रिंग. This apparent weight is normal reaction and this is gmm by r square minus m omega square. gmm by r square minus m omega square. This is the apparent weight. Up. Off. This would be the reading of the balance. Unna pucha hai, by what fraction there would be difference in true weight and balance reading. So true weight minus balance reading. True weight is gmm by r square minus balance reading is n. gm by r square minus n, this is equal to m omega square r, or 2 weight is mg minus normal reaction, this is m omega square r. Humse pucha hai fraction, fraction is the difference upon mg, m omega square r upon mg, or is tarah se omega square r by g, aur phir humne yah sari values sab dusre part mein kya pucha hai. अर्थ मान लीजिए एकदम से तेज हो जाए, अर्थ जितना अधिक तेजी से रोटेट करने लगेगी तो ओमेगा बढ़ने लगेगा. ओमेगा के बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लगेगा तो अपेरेंट वेट कम होने लगेगा. उन्हें वह कंडीशन पूछी है जिस कंडीशन पर अपेरेंट वेट ट्रू वेट का आधा हो जाए. द बी पार्ट इज इन दैट केस What would be the time period? हम कहते हैं true weight mg minus apparent weight mg by 2. This is equal to m omega dash square r. अब fraction निकालने के लिए mg by 2 upon mg is equal to m omega dash square r upon mg. So 1 by 2 is equal to omega dash square r by g. यह लिखेंगे और फिर
ओमेगा डैश की जगह पर अब मैं क्या करूंगा, सपोज द लेंथ ऑफ डे इज टी आर्स, अब जो नया लेंथ ऑफ डे है दैट इज टी आर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डे, द लेंथ ऑफ डे इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। सपोज अर्थ रोटेट करती है कैपिटल टी डैश आर्स, तो अब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करूंगा, हाफ इज इक्वल टू ओमेगा डैश की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई अपॉन टी इंटू 3600 होल स्क्वायर। उसी तरह सब्स्टिट्यूट करूंगा, फ्रैक्शन की जगह मैंने 1/2 कर दिया, फ्रैक्शन की जगह 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 24 आवर्स की बजाय मैंने समी आर्स लिख दिया, दिस इज न्यू लेंथ ऑफ डे इन 2600। आगे यहां सारा काम ऐसा कैसे ही 6400 इंटू 24 अपॉन 9.81। यू कैन ऑलवेज सॉल्व फॉर दिस टी, सबसे पहले टी स्क्वायर आएगा, दिस 4 पाई स्क्वायर इंटू 6400 इंटू 24 इंटू 2 अपॉन 3600 होल स्क्वायर इंटू 9.81। यू कैन ऑलवेज सॉल्व फॉर टी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, लाइक दिस वी शुड सॉल्व 17th प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से प्रॉब्लम के सिचुएशन को समझिए, इसके बाद हम 19th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Now, let's start reading 19th problem. A motorcycle has to move with constant speed on an overbridge which is in the form of a circular arc of radius R and length L. Suppose motorcycle starts at highest point, what can be in its maximum velocity for which contact with road is not broken at highest point? If motorcycle goes with speed 1/√2 times the maximum falling power, where does it lose contact with road? For a maximum uniform speed, can it maintain on bridge if it does not lose contact anywhere? Now this is an interesting problem. मैं पहले problem को समझाता हूँ और फिर उस प्रॉब्लम की लॉजिक को समझाता हूं। देयर इज एन ओवरब्रिज और इस ओवरब्रिज का रेडियस आर है और लेंथ एल है। देयर इज एन ओवरब्रिज जो कि सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है, दिस इज अ ओवरब्रिज, दिस इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क, इट्स रेडियस इज आर, रेडियस इज आर मीन्स दिस, यह रेडियस आर है एंड इट्स लेंथ इज एल, टोटल लेंथ इसकी एल है। अब मोटरसाइकिल हैज टू मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन द ओवर ब्रिज विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर इन टोटल लेंथ एल। इसके ऊपर एक मोटरसाइकिलिस्ट वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता है, दिस इज अ मोटरसाइकिलिस्ट यू कैन से, यहां कॉन्स्टेंट स्पीड लेट अस से वी, इधर से वो चालू होता है इधर तक कॉन्स्टेंट स्पीड से वह मूव कर रहा है मोटरसाइकिलिस्ट। नाउ सपोज मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, और वह मोटरसाइकिलिस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट करता है
बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैं मोटरसाइकिलिस्ट को एक ब्लॉक के फॉर्म में देखता हूं और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट हाइएस्ट पॉइंट. हाइएस्ट पॉइंट पर रोड के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं छूटे, इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो. अब देखिए, मैं सबसे पहले इस हाईएस्ट पॉइंट का ही एनालिसिस करवाता हूं. एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट यह सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करते समय स्पीड भी है. तो हम कहते हैं एक तो इस पर ग्रेविटेशनल पुल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg का, और दूसरा इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट हिमसेल्फ इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाय r. अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए m ओमेगा स्क्वायर r भी लिखा जा सकता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए mv स्क्वायर बाय r भी लिखा जा सकता है. तब क्या करना, ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में कंटेक्स्ट, प्रॉब्लम की सिचुएशन, दिए गए डेटा और पूछी गई बातों को देखकर डिसाइड करते हैं. जैसे इसके पहले जो प्रॉब्लम था अर्थ, अर्थ के रोटेशन पर जो प्रॉब्लम था, तो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को m ओमेगा स्क्वायर r लिखा था. वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r लिखने की यह वजह थी क्योंकि वहां पर ओमेगा लिखना बड़ा आसान था, ओमेगा बताना बड़ा आसान था, मगर इस जगह पर बात ओमेगा के टर्म्स में नहीं करी गई है, इस जगह पर बात स्पीड के टर्म्स में करी गई है. स्पीड ही पूछी है और स्पीड की ही चर्चा करिए. जब स्पीड की चर्चा करिए तो एंगुलर वेलोसिटी टर्म इंट्रोड्यूस करने के बजाय अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा स्पीड टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इस तरह से हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा और इसके साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन एन होगा. अब हम कहते हैं दिस नॉर्मल रिएक्शन एन वुड बी इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर. अब ये तो जनरलाइज्ड इक्वेशन है. अब जो हमने कहा What can be maximum velocity for which contact with the road is not broken? वह maximum velocity बताइए जिससे कि road के साथ में contact कभी भी नहीं छूटे. तो मैं इधर condition लिखता हूं. यदि आप चाहते हो कि contact कभी नहीं छूटे, for without losing contact with the road. यदि आप road के साथ contact कभी भी नहीं lose करना चाहते हो, तो इसके लिए जो हम condition कहेंगे that normal reaction must be greater than equal to zero. यदि normal reaction greater than equal to zero रहा इस point पर, तो रोड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं छूटेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन रोड से ही मिल रहा है. यदि उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है तो रोड के साथ में कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए. यदि यह नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब रोड से कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, तो रोड से कोई फोर्स इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि रोड के साथ में संपर्क छूट गया. हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन की यदि फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब बाइक रोड के साथ कॉन्टैक्ट में है. दिस इज द कंडीशन फॉर नो लूजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रोड. अब नॉर्मल रिएक्शन की जगह यहां रख दू मैं एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और एम जी
must be given equal to m v square by r, or m से m कर गया, v must be less than equal to under root gr. Means velocity must be less than equal to this, means maximum velocity value should be under root gr. इससे ज्यादा velocity हुई तो उसका इस जगह पर what can be maximum velocity for which the contact the road is not broken. This is the maximum velocity at which contact with road would never break. इससे ज्यादा velocity होने पर road के साथ contact break हो जाएगा. इससे ज्यादा velocity होने पर road के साथ contact break हो जाएगा. इससे कम velocity होने पर road के साथ contact कभी break नहीं होएगा. If velocity is less than root this gr, contact with road would never break. इसका second part. If a motorcyclist go at the speed of 1 by root 2 times the maximum found in part A. यह तो हमारा A part हुआ. अब B part में वो लोग क्या कहते हैं? यदि उसकी velocity is maximum velocity से 1 by root 2 times है, यदि उसकी velocity root gr by root 2 है, यदि वह इस velocity से travel कर रहा है, where will it lose the contact with the road? यदि उसकी velocity maximum से कम है, कितना कम है? Under root gr by 2. This is the velocity. और इस constant velocity से वह travel कर रहा है, constant velocity से वह इस road पर travel कर रहा है, ऐसी condition में वह road के किस point पर contact lose करेगा? हम कहते हैं, let's analyze कि यदि खास बात उसकी velocity यह maximum रहती है तो highest point पर भले contact lose नहीं करे, अगर आगे किसी point पर lose कर जाएगा. यदि उसकी velocity इस maximum से कम भी है तब भी वो आगे किसी एक point पर contact lose करेगा. कैसे lose करेगा इस बात को समझेंगे. मैं free body diagram बनाता हूं और इसी जगह पर स्क्रिबल करने के बजाय मैं एक नया फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा. यह रोड है, इस जगह पर मोटरसाइकिलिस्ट इस जगह पर आ गया. और अब यह रोड के साथ जो इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन को समझने के लिए हम इस तरह से सेंटर को जॉइन करते हुए एक रेडियस बनाए और इस एंगल को हम थीटा कहते हैं. मतलब वह वर्टिकल से थीटा एंगल की पोजीशन पर है. इन दिस मैनर we had described the position of motorcyclist at any instant. अब यह motorcyclist v not speed के साथ चल रहा है. v not speed के साथ चलते हुए इस पर centrifugal force radially outward इस तरह से लगेगा. m v naught square by r, or mg force vertically downward mg force vertically downward
इस mg फोर्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं, इस mg फोर्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं एक कंपोनेंट रेडियल और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल। यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा और यह कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और यह कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। देखिए प्रॉब्लम डिस्कशन करा रहा हूं, बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन में सब चीज नहीं समझाऊंगा, आई होप ये सारी चीज आपको अच्छी तरह से आती। अब इसके साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन भी अवश्य होगा जो रोड से मिलेगा। हम इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब इस सिचुएशन में जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, मुझे खास मतलब है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वेशन से, क्योंकि रोड के साथ कॉन्टैक्ट रहना छूटना ये इस बात पर निर्भर करता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है किस तरह से। तो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वेशन में बनाऊंगा, नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस वुड बी एम जी cos थीटा माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। अब हम कहते हैं इस जगह पर उन्होंने पूछा वेयर इट वुड लूज द कॉन्टैक्ट, वेयर इट वुड लूज द कॉन्टैक्ट, ये सवाल पूछा। तो मैं कहता हूं इसका जवाब लिखने के लिए इट वुड लूज कॉन्टैक्ट इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो। इट लूजेस द कॉन्टैक्ट इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ लूजिंग द कॉन्टैक्ट। रोड के साथ में यदि उसको मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन वह जीरो हो जाए तो वह रोड के साथ में कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। अब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट स्पीड से वो रोड पर ट्रेवल कर रहा है। मैं नॉर्मल रिएक्शन को इधर अब जीरो कर देता हूं, जीरो इज इक्वल टू एम जी cos थीटा माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। एंड फ्रॉम हियर cos थीटा इज v नॉट स्क्वायर बाय जी आर। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, v नॉट स्क्वायर की वैल्यू है जी आर बाय टू और अपॉन जी आर, जी आर से जी आर कर गया, cos थीटा इज 1 बाय टू और थीटा इज 60 डिग्री। मतलब कि जब वह वर्टिकल से 60 डिग्री पर होएगा तो इस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करने के बाद भी जो कि मैक्सिमम से कम है वह रोड के साथ कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, और रोड के साथ कॉन्टैक्ट वह तब छोड़ेगा जब वर्टिकल के साथ उसका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इसी रोड में आगे एक और बात पूछिए, व्हाट इज मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड दैट इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। यदि वह चाहता है कि ब्रिज के किसी भी पॉइंट पर कॉन्टैक्ट नहीं छूटे तो उसे मैक्सिमम क्या वेलोसिटी रखनी चाहिए। यदि वह मोटरसाइकिलिस्ट चाहता है कि ब्रिज पर चलते समय किसी भी तरह से कहीं पर भी सड़क के साथ कॉन्टैक्ट नहीं छूटे, सड़क के साथ में उसका संपर्क हमेशा बना रहे, तो उसको क्या मैक्सिमम वेलोसिटी रखनी चाहिए। अब देखिए हम कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो उसके लिए यह मैक्सिमम वेलोसिटी, मगर इस वेलोसिटी के साथ चलता है तो
हाईएस्ट पॉइंट पर भले ही ब्रेक नहीं हुआ मगर आगे कहीं हो जाएगा। इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई तब भी इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक होने की जो चांसेस है वो हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं है, मैक्सिमम चांसेस कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के हैं तो वह इस हाईएस्ट पॉइंट के कहीं आगे। और हम कहते हैं इस पॉइंट पर जो ब्रिज का एंडिंग है इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट ब्रेक सबसे पहले होगा, और यदि इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हुआ तो फिर ब्रिज के किसी भी हिस्से में कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा। इफ ही कुड मेक हिज कॉन्टैक्ट एट दिस पॉइंट, इफ ही एंश्योर द कॉन्टैक्ट एट दिस पॉइंट then definitely at any point on the bridge the contact would remain। यह जो ending point है इस ending point पर ब्रिज के सबसे end पर contact यदि बना रहा तो ब्रिज के हर एक point पर contact बना रहेगा। देखिए सबसे पहले इस point को समझने के लिए मैं इसका angle define कर दूं। टोटल ब्रिज जो एंगल सबटेंड कर रहा है लेट अस से दैट इज अल्फा एंगल एंड दैट अल्फा एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। टोटल ब्रिज जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज अल्फा एंगल एंड दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, द लेंथ ऑफ आर्क इज एल एंड द रेडियस इज आर्क। यह जो एंगल होगा हाफ एंगल होगा, दिस वुड बी अल्फा बाय टू। अब इस जगह पर भी उसकी कुछ वेलोसिटी मैं कह देता हूं जो मुझे डिटरमाइन करनी है। मैं v से डिनोट नहीं कर सकता क्योंकि v मैंने ऑलरेडी नोटेशन ले लिया है, वो एक वेरिएबल के रूप में ले रहा हूं और v max भी मैं लिख चुका हूं। लेट अस से u max, u ले लेता हूं, v नॉट भी मैं ले चुका हूं इस जगह पर, u max तीसरे पार्ट के लिए मैं जो वेलोसिटी ले रहा हूं u max, और u ही लिखता हूं तो इफ u इज वेलोसिटी कंडीशन पर u max लिख दूंगा मैं। U वेलोसिटी से वहां इस सर्कुलर ब्रिज पर मूव कर रहा है, एंडिंग पर भी U वेलोसिटी है तो इस जगह पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सबसे पहले वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दूं इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बाइकर हिमसेल्फ, एम यू स्क्वायर बाय आर, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अलावा उस पर फोर्स लगेगा mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से, और हम कहते हैं इस जगह पर mg cos alpha by 2, इस जगह पर mg sin alpha by 2, और एक नॉर्मल रिएक्शन n। मैं अब इक्वेशन लिखूंगा, n इज इक्वल टू mg cos alpha by 2
is equal to mg cos alpha by 2 minus mu square by r. उसी तरह से इक्वेशन लिखी मैंने जैसे पहले लिखता चला आया था. एंड फॉर नॉट लूजिंग द कॉन्टैक्ट वंस अगेन यही कंडीशन लगाऊंगा. फॉर नो लूज ऑफ कॉन्टैक्ट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. So this thing must be greater than equal to zero. Or I'll say u square must be less than equal to gr cos alpha by 2. Or finally I'll write u must be less than equal to under root of g r or alpha ki jagah pe likh deta hu cos of l by 2 r. This is the final answer of the third part, and this is the complete 19th problem. This is the C part of the 19th problem. बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को एनालाइज करना है. ध्यान से समझिए, देखिए.